व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में किस तरह से अपनी पेमेंट्स को जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं जो हमने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट्स की हैं। और व्यूअर्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हमारे डेटर्स हमें कैश पे करते हैं तो हम उसे किस तरह से अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करते हैं। व्यूअर्स, इसके लिए हमें अपने मेन मेन्यू पर जाके, गेटवे ऑफ टैली में जाके अकाउंटिंग वाउचर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। व्यूअर्स, हम अकाउंटिंग वाउचर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से अब पेमेंट के बजाय व्यूअर्स राइट साइड पर मुझे रसीद को जो अब रिकॉर्ड करना है, तो मैं रसीद को सिलेक्ट करता हूँ। और व्यूअर्स, रसीद जब मुझे कैश रसीव होगा तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे वो अकाउंट जो है वो सिलेक्ट करना है जो इफेक्ट होगा इस रसीद की वजह से, क्या मेरे बैंक में पैसे आ रहे हैं या मुझे कैश की सूरत में रसीविंग हो रही है। तो मैं अपने कैश अकाउंट को इफेक्ट करना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि मुझे कैश मिल रहा है, इसलिए व्यूअर्स मैं यहाँ पे कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और पार्टिकुलर्स में व्यूअर्स, बेसिकली मुझे अपने उस डेटर का अकाउंट जो है वो सिलेक्ट करना है जिससे मुझे पेमेंट रिसीव हो रही है। तो मैंने चूंकि फ्रेंड्स मोबाइल को सिर्फ अभी तक सेव की है, इसलिए मैं फ्रेंड मोबाइल्स के लेजर को या अकाउंट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। व्यूअर्स, जो ही मैंने फ्रेंड मोबाइल्स के लेजर को सिलेक्ट किया, यहाँ पर उनका बैलेंस जो है वो करंटली जो 125,000 रुपये था वो मुझे नज़र आ रहा है। मैं एज्यूम करता हूँ कि उन्होंने मुझे फिलहाल 80,000 रुपीज़ पे किए हैं। मैं इस 80,000 को रिकॉर्ड करके जो मैं एंटर को प्रेस करता हूँ, व्यूअर्स वैसा ही ऑप्शन जैसा कि आपको पेमेंट करते वक्त नज़र आया था वही ऑप्शन आपको रिसीव करते हुए नज़र आ रहा है। बेसिकली आपको ये बताना है सॉफ्टवेयर को कि ये जो कैश आपको मिल रहा है, क्या आप किसी इन्वाइस के अगेंस्ट कैश ले रहे हैं, किसी बिल के अगेंस्ट कैश ले रहे हैं, या कोई नया बिल आप जो है वो कैश के ऊपर आप मर्चेंडाइज डायरेक्टली सेल कर रहे हैं, या फिर आप एडवांस की सूरत में रकम जो वसूल कर रहे हैं। तो मैं चूंकि एक बिल के अगेंस्ट ये रकम वसूल कर रहा हूँ, इसलिए मैं अगेंस्ट रेफरेंस के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। व्यूअर्स, और जो ही मैंने अगेंस्ट रेफरेंस के ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो उस पार्टी के अब तक के जितने पेंडिंग बिल्स थे उनकी लिस्ट मेरे सामने आ जाएगी और इस लिस्ट में से मैं उस बिल को सिलेक्ट करूँगा जिसके अगेंस्ट मुझे पेमेंट की जा रही है। तो चूंकि मैंने सिर्फ एक ही बिल एंटर किया है, इसलिए एक ही बिल मुझे यहाँ पर इस वक्त नज़र आ रहा है और मैं उसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और व्यूअर्स, उसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ। नरेशन में अगर मैं कुछ नरेशन देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ कि कैश रिसीव फ्रॉम फ्रेंड्स मोबाइल्स, और व्यूअर्स इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और पहले की तरह मैं आपको चंद लेजर्स और रिपोर्ट्स में जाकर दिखाता हूँ कि क्या इसका इम्पैक्ट मेरे तमाम रिक्वायर्ड जो मेरे लेजर्स थे और तमाम मेरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे उन पर इम्पैक्ट हो चुका है या नहीं। तो सबसे पहले मैं लेजर्स की रिपोर्ट को जाकर व्यू करता हूँ, अकाउंट व्यूज को सिलेक्ट करता हूँ मैं, और यहाँ से लेजर्स में से मैं फ्रेंड्स मोबाइल के लेजर को व्यूअर्स सेलेक्ट करता हूँ। और जो मेरे फ्रेंड्स मोबाइल के लेजर को सिलेक्ट किया, व्यूअर्स देखिए यहाँ पर डिटेल आ रही है कि मैंने उसे सेल्स की थी 125,000 की, उसमें से उसने मुझे जो है कैश पे कर दिया है। रसीद हमने कैश रसीद की जो है वाउचर इंसर्ट किया है जिसकी वजह से 80,000 मुझे रिसीव हो गए और इस वक्त जो करंट उसका बैलेंस मौजूद है वो सिर्फ 45,000 रुपये, यानी 45,000 रुपीज़ मजीद जो है उसने मुझे अभी बाकी देने हैं, बाकी उसका जो है लेजर अपडेट हो चुका है। इसी तरह व्यूअर्स, हमारा जो कैश का अकाउंट है मैं उसको भी देखता जाता हूँ साथ साथ, क्या मेरे कैश के अकाउंट में भी जो इम्पैक्ट होना चाहिए। देखिए व्यूअर्स, कैश डेबिट हो रहा है 80,000 से और यहाँ पे पार्टिकुलर्स में फ्रेंड्स मोबाइल का नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है। इट मीन्स कि मेरा कैश का लेजर भी अपडेट हो चुका है और मेरे डेटर्स का लेजर भी अपडेट हो चुका है। इट मीन्स कि ये रिसीविंग हमें कामयाबी से अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंटर कर दी है।